अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स और कंप्लाइंस पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आए सबसे पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स बताता हूं जो दराज पर डेंजरस है या काउंटर फीट है आइटम्स हैं या लॉ के हिसाब से आप नहीं बेच सकते। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मैं आपको कुछ कैटेगरीज़ का बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ईडेबल्स एंड ड्रिंक्स का आपको बता दूँ कि आप दराज पर यूज्ड वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स, गीज़ वगैरह नहीं बेच सकते, चीज़ नहीं बेच सकते, गोश वगैरह नहीं बेच सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिसेंटली डी मार्ट कर यहाँ पर ये लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ दराज वाले खुद ही कर रहे हैं या उन्होंने हम मार्ट वालों को अलाउ कराया सेल करने का, और किसी को अलाउ नहीं है। इसी तरह आप रिलीजियस और एंटी रिलीजियस मटेरियल बुक्स भी नहीं सेल कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैमर्स नहीं कर सकते, सिग्नल बूस्टर नहीं कर सकते, बैंक कार्ड रीडर्स नहीं कर सकते, नॉन पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन्स नहीं कर सकते, वॉचेस जीएसएम नहीं कर सकते, स्पाई इक्विपमेंट नहीं कर सकते। ड्रोन्स एंड एसेसरीज़ आप कर सकते हैं, वो सिर्फ उनके लिए प्रोहिबिटेड है जो इंटरनेशनली सेल करते हैं। गैस कंप्रेसर्स आप नहीं कर सकते हर किस्म के। इसी तरह फर्नीचर्स में झूला नहीं कर सकते, एग स्विंग्स नहीं कर सकते। आर्म्स में आप इमिटेशंस फायर आर्म्स नहीं कर सकते, वीपन्स की एसेसरीज़ नहीं बेच सकते। अपैरल एंड एसेसरीज़ में आप मिलिट्री डेकोरेशन, मेडल्स एंड अवार्ड्स नहीं सेल कर सकते। इसी तरह स्मोकिंग एसेसरीज़ में टोबैको, शीशा वगैरह, ई सिगरेट्स आप नहीं सेल कर सकते। इलीगल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में भी आप लॉटरीज, राफेल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते, इलीगल सर्विस नहीं दे सकते। इसी तरह डेंजरस चीज़ें आप नहीं बेच सकते। मेडिकल सप्लाईज़ आप दराज पर मास्क और सैनिटाइज़र सिर्फ वो ही बेच सकता है जिसके पास ऑथराइजेशन लेटर हो। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ ऑथराइजेशन लेटर के बारे में, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको डिजिटल गुड्स का बता दूँ कि दराज पर नेटफ्लिक्स अकाउंट सब्सक्रिप्शन और एनी शेयर्ड स्क्रीन भी अलाउड नहीं है। जो लोग दराज पर ये चीज़ें बेच रहे हैं तो और उनके प्रोडक्ट अभी तक दराज पर लाइव है, तो वो बहुत जल्द दराज उन्हें लॉक कर देगा। तो आप ये नहीं समझे कि दराज ने मना करा है तो दराज पर चीज़ें बिक रही हैं। ऑब्वियसली अगर जो चीज़ें दराज के बाय लॉ अलाउ नहीं है वो दराज पर आप सेल नहीं कर सकते, और अगर जिन चीज़ों के लिए आपको लेटर चाहिए तो आप उसका ऑथराइज लेटर बनाएं, और अगर ऑथराइज लेटर नहीं है और वो फिर भी सेल हो रही है तो वो आइटम्स भी दराज बहुत जल्दी लॉक कर देगा। इसके अलावा मैं आपको कस्टमर पॉलिसी के बारे में भी बताता चलूँ कि दराज पर कस्टमर पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि बहुत सी दफ़ा कस्टमर का भी मसला होता है, सेलर ठीक होता है, मगर इसके अलावा भी दराज बहुत सी जगहों पर कस्टमर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि दराज कस्टमर ऑलवेज़ राइट वाली पॉलिसी को फॉलो करता है, जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि समटाइम कस्टमर की तरफ से भी प्रॉब्लम होती है जो सेलर्स फेस करते हैं। तो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, दराज को दोनों की बात सुनकर केस को सॉल्व करना चाहिए, जो अक्सर जगहों पर नहीं आता। मगर ऑब्वियसली दराज का रूल है तो हम सेलर्स को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा, वरना हम सेल नहीं कर सकेंगे। तो जो दराज की कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोटेक्शन है वो सिंपल है, जो नॉर्मली दूसरी वेबसाइट्स की भी होती है, और अगर हमारी कोई शॉप भी होगी तो हम यही चाहेंगे कि हमारा कस्टमर रिटेन रहे और वो जाए नहीं किसी और के पास। इसी तरह दराज भी यही चाहता है, और जिन सेलर्स की रेटिंग अच्छी होती है दराज उन्हें मोर विजिबिलिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है, मींस उनके प्रोडक्ट आपको फ्रंट पर शो होंगे, उनकी सेल इंक्रीज होती है विजिबिलिटी की वजह से, और इसी का वाइस वर्सा होता है उन लोगों के लिए या उन सेलर्स के लिए जिसकी कस्टमर रेटिंग्स अच्छी नहीं होती। जितने भी सेलर्स हैं उन सबको POL पेंडिंग ऑर्डर लिमिट और DOL डेली ऑर्डर लिमिट का पता होगा, रिगार्डलेस न्यू सेलर को जिनको एक मॉड्यूल से गुजरना होता है जिसमें शुरू में डेली ऑर्डर लिमिट 10 होती है और पेंडिंग ऑर्डर लिमिट 5 होती है। इसके बाद अगर उनकी कंसेक्यूटिव 2 वीक तक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दराज ने नॉन कंप्लायंस पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कर दी है। अगर आपकी कंप्लायंस पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको पॉइंट होते हैं, और अगर वो पॉइंट 16 या आई थिंक 12 समथिंग अबव हुए तो आपका अकाउंट परमानेंटली डीलिस्ट हो जाता है। तो सब सेलर्स को चाहिए कि वो रेगुलरली अपनी कंप्लायंस पॉलिसी को भी चेक करते रहें। इन केस अगर आपके गलत पॉइंट्स हैं तो आप फौरन एक्स फॉर्म भरकर दराज वालों को इन्फॉर्म करें। इसी तरह दराज पर जो मैंने आपको बताया प्रोहिबिटेड आइटम्स उसे ना लगाएं, उससे ये होगा कि आपके स्टोर्स पर
रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपकी ऑर्डर लिमिट इंक्रीज़ होती जाएगी। मैं आपको डाउनग्रेड क्राइटेरिया भी बताता चलूँ कि अगर आपके पास 2 दिन होते हैं शिफ्ट के, अगर आप 2 दिन के अंदर शिफ्ट नहीं करते और आपका ये 2 दिन का टाइम फ्रेम 4 या मोर देन 4 पर चला जाता है, तो आपकी शॉप 6 दिन के लिए डीलिस्ट हो जाती है, मींस ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए। इसी तरह ऑर्डर कैंसिलेशन रेट भी आपका जो अलाव है वो 2% है, अगर मोर देन 4 चला जाता है तो भी आपकी 1 वीक के लिए शॉप डीलिस्ट हो जाती है। यहाँ बहुत से सेलर्स की ये भी कंप्लेन है कि कस्टमर एंड से ऑर्डर कैंसिल होता है और इसमें भी हमारी परसेंटेज इंक्रीज़ होती है, तो ये दराज के सिस्टम में कुछ ग्लिचेस हैं। नॉर्मली कैंसिलेशन नहीं होती इंक्रीज़, मगर अब हो रही है, किसी की होती किसी की नहीं होती, तो आप फौरन अपने सोर्सिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करें। हर चीज़ टाइमली मैनर पर एक्शन लेने से बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, ना कि हम उसे पब्लिसिटी करें, इससे हमें ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर हम सेलर हैं तो हम बाउंड हैं, इसीलिए हम दराज के प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं, वरना अगर हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम फौरन दराज छोड़कर कहीं और सेल कर सकते हैं। तो अगर हम कोई प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को फॉलोअप करना चाहिए। इसी तरह अगर रिटर्न रेट मोर देन 2% होता है, रिटर्न रेट का भी एक क्राइटेरिया है, अगर फॉल्ट सेलर की तरफ से हो, फॉर एग्जांपल आइटम डिफेक्टिव है, डैमेज है या पुअर पैकेजिंग है, तो 2% अलाव है। अगर मोर देन 4% होता है या 3 और मोर देन 3% रिटर्न होता है, तो ये भी वीक के लिए आपकी बंद हो जाती है। रिस्पॉन्स रेट भी इंस्टेंट मैसेजिंग का आपका 60% से कम होगा तो आपकी शॉप डी लिस्ट तो नहीं होती, मगर आपकी थोड़ी सी विजिबिलिटी में इशू आ जाता है। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि परमानेंट अकाउंट डीएक्टिवेशन एंड अकाउंट ब्लैक लिस्ट कब होता है। अगर सेलर 6 मंथ्स के अंदर डी लिस्ट क्राइटेरिया में 3 बार फॉल करता है, मीन्स कि विद इन अ 6 मंथ्स आप 3 बार डी लिस्ट हुए, डी लिस्ट का मतलब कि आपकी डेली ऑर्डर लिमिट 0 पर चली गई, तो आपका अकाउंट परमानेंटली डी लिस्ट कर दिया जाएगा और वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। मीन्स कि अगर मूविंग साइकिल ऑफ 6 स्कोर कार्ड में अगर सेलर 3 टाइम्स हो जाता है POL, जो मैंने आपको अबव रीजंस बताए हैं, रिस्पॉन्स रेट, रिटर्न, ऑर्डर कैंसिलेशन और रेडी टू शिप का, अगर इसमें से आपको इस वजह से 3 मरतबा आपका हो जाता है कंसेक्यूटिव विद इन 6 मंथ्स, तो आपकी शॉप परमानेंटली डीलिस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि फाइनेंशियल पेनल्टीज क्या लगती है। अगर आपने कोई चीज़ में फ्रॉडलेंट बिहेवियर करा है या कुछ ऐसी चीज़ करी है जिसमें कस्टमर पर नेगेटिव अफेक्ट पड़ा है, या आपने आउटसाइड ऑफ दराज सेल की है, या आपने रॉन्ग या काउंटरफिट आइटम भेजी है, जो एडवर्टाइज़ की है वो आइटम नहीं भेजी, तो आपको चार्जेस भी लग सकते हैं और आपके पेमेंट साइकिल में से 10% डिडक्शन भी हो सकती है, और अगर दराज चाहे तो आपका अकाउंट परमानेंट डीलिस्ट भी कर सकता है। तो मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूं, कैंसिलेशन अगर आफ्टर रेडी टू शिप आप करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ की पेनल्टी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सिस्टम दराज के सिस्टम पर ग्लिच है या कुछ और इशू है, तो आप अपने सोर्सिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करें, वरना दराज पर इन्फॉर्म कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ही कस्टमर ने 2 से 3 ऑर्डर सेम आइटम के भेज दिए, अब आप कंफ्यूज हैं कि कस्टमर को 3 आइटम्स चाहिए भी या नहीं, और आप कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ख्याल रखिएगा अगर आपने कस्टमर को डायरेक्ट कॉल करी और दराज की नॉलेज में ये बात आ गई, तो आपको कंप्लाइंस पॉलिसी के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपका अकाउंट भी डीलिस्ट हो सकता है और आपको पेनल्टी भी मिल सकती है। तो आप चैट पे उनसे कांटेक्ट करें, अगर आपको कुछ घंटे में रिप्लाई नहीं आता तो आप एक्स फॉर्म के थ्रू या अपने सोर्सिंग ऑफिसर के थ्रू इस केस को सॉल्व करें। डायरेक्ट कैंसिल अगर करेंगे रेडी टू शिप के बाद, तो आपके को 200 रुपीज़ की चार्जिंग फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एक तरह की ये पेनल्टी समझ लें। और अगर रेडी टू शिप है, फॉर एग्ज़ाम्पल नया ऑर्डर आया जो आपने अभी रेडी टू शिप नहीं करा, अब आपको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर ने 3 ऑर्डर एक साथ अलग अलग 3 आइटम क्यों ऑर्डर की है, चाहता तो एक साथ भी कर सकता, तो इसके लिए आप इसे रेडी टू शिप नहीं करें, आप पहले इसको एक्स फॉर्म या सोर्सिंग ऑफिसर को कांटेक्ट करें। अगर आपका सोर्सिंग ऑफिसर भी रिप्लाई नहीं देता तो आप एक्स फॉर्म भर कर उसे ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें और अपनी स्क्रीन शॉट्स अपने पास सेफ रखें, कल कोई अगर आपको स्कोर कार्ड हिट होता है इसकी वजह से तो आप अपने एविडेंस शो कर सकें। इसी तरह क्वालिटी, रिटर्न, रॉन्ग आइटम और काउंटर फीड पर आपको 500 रुपीज़